सब मेरे साथ मिलकर के एक बार ओम बोलेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरे साथ मिलकर के एक भजन बोलेंगे सब। प्रभु जी तने से दया कर दो, प्रभु जी तने से दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे सागर हो, प्रभु तुम करुणा के सागर हो, करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले, एक बूंद हमें एक बार मिले, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की। आज ये तीसरा वार्षिक उत्सव हो रहा है आचार्य कुलम चिरांग का, और इस उत्सव में हमें आशीर्वाद देने के लिए जहाँ एक ओर हमारे परम पूज्य श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी हैं, वहीं हरिद्वार से एक हमारे और दूसरे बहुत बड़े साधु महात्मा आए हैं, महामंडलेश्वर श्रद्धे स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज जी, उनका एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे यहाँ के डीजीपी भाई अनुराग जी जो हमारे पड़ोसी हैं, रुड़की से हैं,
और इतनी प्रशस्त सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे अनुराग जी का भी एक बार डीजीपी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे भाई सुधाकर जी, प्रभाकर जी, सुधाकर जी, सुधाकर जी हमारे एसएसपी साहब हैं यहाँ, और हमारे सारे पुलिस फोर्सेस के सभी प्रशासन के सब अधिकारी जवान, सारे हमारे मीडिया कर्मी, और यहाँ असम प्रदेश में बोडोलैंड में इन सेवाओं को आगे बढ़ाने में निरंतर पुरुषार्थ कर रही हमारी श्रद्धामयी साध्वी स्वरूपम जी, हमारे पूज्य स्वामी अनंत देव जी और प्रवीर देव जी, और उनके साथ साथ हमारे धीरेन्द्र ब्रह्माचार्य जी, और हमारे सभी आचार्य कुलम के प्रिंसिपल और टीचर्स, और सारे हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ साथ संगठन के सभी हमारे कार्यकर्ता भाई राकेश जी के नेतृत्व में सब बहुत पुरुषार्थ यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार सबका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हम अभी आपको योग सिखाएंगे, एक स्वस्थ जीवन पद्धति के बारे में बताएंगे। कल मैंने कहा था कि भारत की संस्कृति के दो बड़े पहलू हैं, योग और युद्ध। राम और रावण का युद्ध हुआ तब से भारत राम की उपासना करता आया, क्योंकि उन्होंने असुरत्व का संहार किया, रावण का विनाश किया। कृष्ण और कंस में हम कृष्ण की इसलिए पूजा करते हैं कि उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगो युगो का उद्घोष किया और वैसा करके दिखाया। कई दिनों से भारत की तरफ निगाह थी दुनिया की, हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, और रोज सीमाओं से हमारी शरकटी जवानों के शव आते थे, शरीर चीथड़ा चीथड़ा हो जाता था, और हम कुछ कर नहीं पाते थे, बेबस लाचार से नजर आते थे। हमारे कल एयरफोर्स के जवानों ने एक बड़ी पहल की और एक शौर्यपूर्ण कारनामा करके भारत के गौरव सम्मान और स्वाभिमान को बचाया, और पूरी दुनिया में एक पराक्रमी देश की तरह एक्शन लेकर के करीब 200 आतंकवादियों को पीओके में घुस करके मार के दिखाया। तो हमारे एयरफोर्स के जवानों ने उन आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया और वहां रह रहे करीब 200 से ज्यादा आतंकवादियों को भगवान के यहां पहुंचा दिया। उनका रीमैन्युफैक्चरिंग जरूरी था, वो काम किया, अभी तो ये कार्य और आगे चलेगा, क्योंकि यहां अभी विराम नहीं है। जीवन तो योगमय और युद्धमय होता है, उसमें निरंतर संघर्ष रहता है। खैर, अब आपके लिए थोड़ा बताते हैं। पहले तो अभी कुछ प्रस्तुतियां और बाकी हैं। आचार्य कलम के छोटे छोटे इन बच्चों ने क्लास 1 से लेकर के 4-5 तक के अलग अलग क्लासेस के इन बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम दिए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे आचार्य कलम के बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगली बात, बच्चों को बचपन से जो हम शिक्षा और संस्कार दे देते हैं वही उनका जीवन में स्वभाव बन जाता है। जो हम बच्चों को बचपन में शिक्षा और संस्कार विचार दे देते हैं वही उनका जीवन हो जाता है, वही उनकी लाइफ हो जाती है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसको एजुकेशन बोलते हैं। मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ी, कंप्यूटर पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, लैंग्वेज हिंदी, इस और एक अच्छी बात है
कि आचार्य कोलम में पढ़ने वाले बच्चों को कम से कम 4-5 भाषाएं यहाँ पर आती है। इनको हिंदी भी आती है, असमिया भी आती है, बांग्ला भी आती है, बोरो आती है, तो ये सारे आगे ना, और इंग्लिश भी आती है और संस्कृत भी आती है, तो इतनी भाषाएं तो शायद किसी स्कूल के बच्चों को आती होगी। माने एक साथ कई भाषाएं इनको आती है, और आपस में प्रेम से रहना भी आता है, नहीं तो भाषाओं के नाम पर ही लोग लड़ाई करते रहते हैं। खैर, अभी बहुत जल्दी ही भारत सरकार एक पहल करने जा रही है, उसका भी बड़ा परिणाम आएगा। 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके मैकाले ने एक बहुत बड़ा पाप किया था कि भारत की जो परंपरागत शिक्षा थी, स्पिरिचुअलिटी और मॉरलिटी पर बेस्ड जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, उसको तोड़ करके खाली हमको सब्जेक्ट पढ़ाए जाने लगे, हमारे संस्कार कहीं पीछे छूट गए। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड जल्दी भारत में बनने वाला है, और मैकाले की शिक्षा पद्धति के स्थान पर भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रतिष्ठा होने वाली है। यह बड़ा कार्य है। जो कार्य यहां पर आचार्य कलम में हो रहा है, वह कार्य देश भर में दिखेगा। तो एक तो याद रखना, सब्जेक्ट का नॉलेज तो हमको होना चाहिए। पहले बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट सिखाते हैं, बाद में हम प्रैक्टिकल लाइफ में एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं, रिसर्च है, अलग अलग सेक्टर हैं सर्विसेज के, वर्क के, हमारे प्रोफेशन के, उसमें हम काम करते हैं। यहां पर भी जो पीछे आपने प्रवेश किया, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने करीब 250 प्रकार के धान यही चिरांग में लगाए हैं और उनको ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया, और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, वो खेती एक साइंस है। आज आपको गोदान भी करने वाले हैं। असम में बहुत अच्छी गायें हैं, अभी हम रास्ते में भी आ रहे थे, गायों का मेला लगा हुआ था। यहाँ इतनी इतनी गाय होती है, फिर इतनी इतनी होती है, ज्यादा से ज्यादा इतनी होती है, लेकिन अभी आपको हम उधर उत्तर भारत से आपके लिए गाय लेके आए, पूज्य आचार्य जी ने प्रयास किया है, और आपको बड़ी बड़ी गाय जो 8 से 10 किलो तक दूध देंगे ऐसी देने वाले हैं। बहुतों ने तो इतनी बड़ी बड़ी गाय कभी देखी ही नहीं थी, छोटी छोटी गाय देखी, तो ये बड़ी बड़ी गाय भी आपको आज देने वाले हैं। गाय के ऊपर भी अनुसंधान करने वाले हैं, फिर यहां खेती में और अनुसंधान का कार्य चल रहा है, स्वदेशी से स्वावलंबन का भी कार्य चल रहा है। अलग अलग सब्जेक्ट्स का नॉलेज हमें होना चाहिए। नॉलेज और एजुकेशन एक अलग पार्ट है। देखो, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी जिंदगी का, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा आचरण कैसा है। तो हम यहां दोनों चीज सिखाते हैं बच्चों को। एक तरफ यहां विद्याभ्यास कराते हैं, दूसरी तरफ योगाभ्यास करके इनके जीवन के अभ्यास, संस्कार, स्वभाव, उसका परिष्कार करते हैं। विद्याभ्यास, योगाभ्यास के दो शब्द क्या बोले, बोलिए, विद्याभ्यास और योगाभ्यास, ये दोनों काम करवाते हैं। देखो, जो हम बार बार करते हैं वो हमारा स्वभाव या संस्कार बन जाता है। जो हम बार बार करते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा स्वभाव और संस्कार। बार बार हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा सोचने का स्वभाव और संस्कार बन जाएगा। बार बार अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा देखने का,
अच्छा बोलने का, अच्छा सुनने का स्वभाव संस्कार बन जाएगा। बार बार जो खाएंगे उसको खाने का स्वभाव और संस्कार बन जाएगा। बार बार जो करेंगे, मारपीट करेंगे तो मारपीट करने का स्वभाव, प्यार से रहेंगे तो प्यार से रहने का स्वभाव और संस्कार। झूठ बोलेंगे बार बार तो झूठ बोलने का स्वभाव और संस्कार। जो करेंगे, चोरी करेंगे तो चोरी करने का स्वभाव और संस्कार बन जाएगा। यही जिंदगी है, दिस इज लाइफ। अवर प्रैक्टिस, अवर नेचर, अवर कल्चर, दिस इज अवर लाइफ। जो हम बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, खाते पीते हैं, वही हमारा स्वभाव और संस्कार बन जाता है। इसलिए अच्छा सोचना, अच्छी भावना रखना, अच्छा ही करना, अच्छा ही बोलना, अच्छा ही खाना पीना, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, जो भी हम उल्टा करते हैं वैसा स्वभाव बन जाता है। इसलिए हम एक बात सबको सिखाते हैं और ये बड़ों के भी सीखने जैसी है। हम छोटे बच्चे हमारे पास में आते हैं, हम गुरुकुल भी चलाते हैं, आचार्य कुल भी चलाते हैं, वैदिक गुरुकुल विश्वविद्यालय आदि भी चलाते हैं, तो एक बात सबसे पहले सिखाते हैं, एक बार भी झूठ। क्या सिखाया बच्चों? एक बार भी झूठ, क्योंकि एक बार भी झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने की क्या पड़ जाएगी? आदत, स्वभाव, संस्कार। एक कोई भी शब्द बोल लो, एक ही बात है। तो एक बार भी झूठ बोला तो झूठ बोलने के संस्कार पड़ जाएंगे। हम आपको शिक्षा भी दे रहे हैं, संस्कार भी दे रहे हैं, ये बड़ी चीज सिखाते हैं। एक बार भी चोरी करेंगे तो चोरी करने का संस्कार बढ़ जाएगा। एक बार भी दारू पिएंगे तो दारू पीने का संस्कार, स्वभाव या आदत, एक ही बात। एक बार भी किसी को मारा तो मारने का संस्कार, स्वभाव, आदत। एक बार भी गुटखा खाया तो गुटखा खाने की आदत, संस्कार, स्वभाव। ऐसा इसलिए बुरा काम एक बार भी, बुरा काम एक बार भी, बुरी बात एक बार भी, बुरा विचार एक बार भी दिमाग में नहीं लाना, बुरी चीज एक बार भी आंखों से, बुरी बात एक बार भी कान से, और बुरी बात एक बार भी वाणी से। जो लोग गाली बोलते हैं ना, उनको गाली देने की आदत पड़ जाती है। बहुत लोग इस आदत से लाचार हैं, उनको गाली दे करके बात करने की आदत पड़ जाती है। आपके घरों में भी कुछ लोग गालियां देते हुए सुनते हो ना आप? क्यों? जिसको ऐसा बोलने में गाली देने की आदत पड़ गई तो वो आदत, वो संस्कार, वो स्वभाव खराब हो गया। इसलिए मैंने भी कुछ अपनी आदतें बनाई। यहां हमारे पूज्य आचार्य जी बैठे, पूज्य स्वामी जी बैठे, हम लोगों ने अपनी आदतें बनाई। सुबह जल्दी उठने की आदत, योग करने की, अच्छे अच्छे काम करने की, पुरुषार्थ करने की। देखो, एक पुरुषार्थ करने की आदत है और एक ऐसी है, पढ़ते नहीं, पढ़ने की आदत नहीं, काम करने की आदत नहीं, जल्दी उठने की आदत नहीं, योग करने की आदत नहीं, कम खाने की आदत नहीं, उल्टा करते हैं। देर तक सोना, देर से उठना, ज्यादा खाना, मेहनत नहीं करना, पढ़ाई में भी मेहनत नहीं करना, घर जाके, घर में, खेत में, माता पिता के साथ भी मेहनत नहीं करना। कुछ काम चोर हराम खोर हो जाते हैं फिर। हमने आदत यही बनाई। तो सुबह उठ करके हमारी क्या आदत है? योग करने की। क्या आदत है बोलो? योग करने की। फिर दिन भर पुरुषार्थ करने की। दिन भर क्या करने की? अभी जैसे बच्चे हैं आप, तो आपको यहां आचार्य कॉलम में आते हो तो किसमें पुरुषार्थ करना है? पढ़ाई करने में। फिर घर में जाते हो तो थोड़ा बहुत काम भी करते हो कि नहीं करते? कुछ बच्चे करते हैं, छोटे छोटे काम भी किया करो, उससे काम करने की क्या पड़ेगी? आदत, नहीं तो निकम्मे हो जाओगे। हैं? जो काम नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? निकम्मा। निष्कर्म,
निष्कर्मण्य नहीं होना आपको, निकम्मा नहीं होना आपको, प्रमादी नहीं होना। हम दो शब्द सिखाते हैं, पुरुषार्थ जीवन है और प्रमाद ही मृत्यु है। पुरुषार्थ ही बोलो जीवन है और प्रमाद ही, जो पुरुषार्थ नहीं करते प्रमाद करते वो जीते जी मर जाते। योग एक जीवन पद्धति है। योग क्या है? जीवन पद्धति। जोर से बोलो, योग क्या है? जीवन पद्धति माने जीवन जीने का तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, साइंटिफिक लिविंग, दिस इज योग। ईच एंड एवरी ब्रेथ, ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ अवर लाइफ, दिस इज कॉल्ड योग। तो पूरा जीवन ही योग है। योग कोई मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म नहीं है। योग सबके लिए है। और हमें खुशी है यहां पर सबसे ज्यादा तो हमारे बोड़ो बच्चे ही पढ़ते हैं क्योंकि ये बोड़ो लैंड है। लेकिन बोड़ो बच्चों के साथ साथ यहां असमिया परिवारों से, बांग्ला बोलने वाले परिवारों से, हिंदी, नेपाली बोलने वाले परिवारों से भी बच्चे पढ़ते हैं। वही इस आचार्य कुलम में हमारे मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं। उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आप पड़ोस में मुसलमानों की बस्ती है, वो भी पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा और संस्कार तो सबके लिए समान है। और हम सब एक बात सुनेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, हम सब एक ईश्वर की संतान। किसकी संतान? एक, उसको खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, हम एक ईश्वर की संतान। किसकी संतान? एक ईश्वर की संतान, एक ही पूर्वजों की संतान, एक ही पूर्वजों की और एक ही धरती माता की संतान, एक ही, इसको वेद में कहा, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, सभी एक समान, सभी महान, सभी एक समान, सभी, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहावे तेरे द्वारे, कोई ऊंच न कोई महान सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। हम सब एक समान है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं बिटवीन मेल एंड फीमेल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में कोई भेदभाव नहीं करना, ये सिखाते हैं। फिर मिलजुल के रहो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो, अपने देश को आगे बढ़ाओ। आज यहां हम इस कार्यक्रम के बाद गोदान करने वाले हैं और गायें हम हिंदुओं को भी दान करने वाले हैं, और मुस्लिम बस्ती पड़ोस में है तो मुस्लिम बोले बाबा जी हमको भी दान करो, हम भी गाय की सेवा करेंगे, तो मुसलमान भाइयों को भी गाय दान करने वाले हैं। हम सब मिलजुल करके आगे बढ़े, आपस में हिंसा, क्रुएल्टी, वायलेंस, ये ठीक नहीं है। हमें मिलजुल करके आगे बढ़ना है। 2040-50 तक इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति बनाना है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इनोवेशन, इन्वेंशन, प्रोडक्शन हो, पॉलिटिक्स हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हर क्षेत्र में, खेल हो, हर क्षेत्र में भारत को सबसे ऊपर लेकर के आना है। और इसी का अभियान है पतंजलि योगपीठ का, कि हम एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, एक समर्थ, स्वाभिमानी राष्ट्र बनाएं। और इसके लिए ये अलग अलग सेवाएं यहाँ पर संचालित हो रही है। आप सब बहुत श्रद्धा भक्ति प्रेम से आए हैं। मैंने कहा कुछ को इधर गाय देखने का इतना चाव चढ़ा हुआ था कि कुछ अभी उधर ही लीन है गाय दर्शन में, लेकिन आपको भी गाय का दर्शन भी कराएंगे, भोजन भी कराएंगे, लेकिन अभी कार्यक्रम शेष है। तो आगे के कार्यक्रम में सभी भक्ति पूर्वक पूरे डिसिप्लिन के साथ उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम पूरा होने के बाद फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम लोग आप लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए हरिद्वार से चल के आते हैं। हमको पूरी दुनिया में लोग बुलाते, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास में इन्विटेशन होता है, लेकिन आपके यहाँ
क्योंकि आपने इस पतंजलि को अपना माना है, इसलिए आपको दुनिया हमको बुलाती है और हम आपको चिरांग के आचार्य कुलम में बुलाते हैं।